पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कलकत्ता में महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रतिमा के खंडित करने के बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में मुरादाबाद में अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति ने मुरादाबाद जिला मुख्यालय के बाहर आज जोरदार प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति इस घटना की तीव्र निंदा करती है। घटना को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों को तत्काल पकड़ कठोर से कठोर सजा दी जाए। ये बेहद दुखद है कि हमारे देश में आधुनिक शिक्षा की नींव रखने वालों की प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ये प्रदर्शन किया जा रहा है अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति की ओर से पश्चिम बंगाल में इस महान समाज सुधारक शिक्षाविद ईश्वरचंद विद्यासागर की जो प्रतिमा तोड़ी गई है उसके विरोध में ये प्रदर्शन है, क्योंकि जो अराजक तत्व जो देश में जिस तरह की विचारधारा पनप रही है और जो विचारधारा जो पनप रही है वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि जितने समाज सुधारक हैं उनकी प्रतिमाओं को तोड़ा जाना, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़ा जाना, इससे पहले पेरियार की मूर्ति तोड़ी गई, लेनिन की मूर्ति तोड़ी गई और जो है गांधी की मूर्ति तोड़ी गई। अभी एक राजनेता नेत्री कह रही थी कि भाई वोट से जो है बहुत महान देशभक्त है, अब जब वोट से महान देशभक्त हो जाएगा तो गांधी का क्या होगा। गांधी हमारा जो इन्होंने भाई स्वतंत्रता संग्राम में जिनका महान बलिदान है, इसी तरह विद्यासंघ ईश्वरचंद विद्यासागर का जो है समाज सुधार में बड़ा योगदान है। एक विशेष तरह की विचारधारा जो पनप रही है देश के अंदर वो ऐसे प्रतीकों को ख़त्म करना चाहती है और ये हम लोग नहीं होने देंगे। हम सामाजिक जो विचारधारा है ये देखिए राजनीतिक है और एक विशेष प्रकार के राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं। देखिए ये हम लोग आंदोलन करेंगे भाई, ये जो हमारा संगठन है लगातार आंदोलन कर रहा है, इस तरह की जितनी घटनाएं हैं उन पे कर रहा है और लगातार आंदोलन करता है।